एक तस्वीर में छुपी होती हैं कई तस्वीरें, एक लकीर बयां करती है कई ताबीरें। पिछले कुछ बरस के दौरान कश्मीर के नौजवान जिंदगी के कितने ही शोभों में अपनी सलाहियतें मनवा चुके हैं। तमाम चैलेंजों के बावजूद कश्मीर की हर नई सुबह सैकड़ों नई उम्मीदों का पैगाम ले आती है। ऐसी ही एक जवां उम्मीद के अमानतदार हैं सैफ। श्रीनगर कश्मीर के तेलबल इलाके से ताल्लुक रखने वाले सैफ अपनी आंखों में रोज नए खाकों को उभरता हुआ देखते हैं और फिर उन्हीं खाकों को अपने हुनरमंद हाथों से वो रूप देते हैं कि जो कभी मंद मंद मुस्कुराहट का बाइस बनते हैं, कभी गहरी सोच का तो कभी खुशकुन हैरत का। सैफ को बचपन से ही तस्वीरें बनाने का शौक रहता। उल्टी सीधी लकीरें खींचने में उन्हें एक अजब तस्कीन मिलती थी। घर वाले, बिलखसूस उनके वालिद, उनका हौसला बढ़ाते और यूं स्कूल में प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से हाई लेवल तक आते आते सैफ की लकीरों में एक पैनापन नुमाया होने लगा, जिसकी बदौलत उनका एतमाद बढ़ता गया। चंद एक मुकाबलों में हिस्सा लिया तो वहां खूब शाबाशी मिली और इनाम भी। लेकिन ये शायद न सैफ ने सोचा था और न ही उनके वालिदैन ने कि बचपन का शौक बढ़ते बढ़ते ऐसा नशा बन जाएगा जो सैफ को एक नई शनाख्त अता कर देगा। सैफ आज कश्मीर के बेहतरीन पोर्ट्रेट एंड स्केच आर्टिस्ट्स में शुमार किए जाते हैं। उनका काम हकीकत की मुंह बोलती अक्कासी है, इसीलिए हमें अपने बहुत करीब महसूस होता है। सैफ का काम खासी संजीदगी का तकाजा करता है, यही वजह है कि वो अक्सर अपने आप में गुम मालूम होते हैं। खुद में गुम होकर वो अपनी सलाहियत के समंदर से पोर्ट्रेट्स और स्केचेस के ऐसे ऐसे मोती निकाल लाते हैं कि देखने वाले अश अश करते हैं। अगर आप सैफ को पोर्ट्रेट या स्केच बनाते हुए देखें तो शुरू में भूले से भी अंदाजा ना होगा कि इनकी बनाई हुई लकीरें कुछ ही वक्त के अंदर क्या रूप लेने वाली हैं। बेहतर यह है कि शुरू में एक दो मिनट के लिए इनके काम को देखें, फिर आंखें बंद कर लें और तब खोलें जब तस्वीर मुकम्मल हुई हो। यूं महसूस होगा जैसे आपने एक जहां तय कर लिया है। सैफ ने बैनुल अक्वामी शियोमी ब्रांड के फोटो चैलेंज में भी अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया है। जरा गौर करें तो मालूम होगा कि सैफ अपनी तस्वीरों के जरिए कश्मीर के खाके में वो रंग भर रहे हैं जिनकी तवक्कु हर कौम को अपने होनहार नौजवानों से होती है।